राजेंद्र जी, भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जय गो माता, जय गोपाल जी। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? आज की वीडियो में 6 गायें है जी। 6 गायें हैं जी। अच्छा, कुछ तो ब्याही भी लग रही है जी इनमें से। 2 ब्याही हुई है जी। हाँ, 4 प्रेग्नेंट है। 4 प्रेग्नेंट है जी। 2 ब्याही हुई है। 2 ब्याही हुई है। तो इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे जी, 6 की 6 गायों के बारे में। जी सर जी। सबसे पहले तो दर्शकों के साथ एक जानकारी शेयर कर दें कि भाई साहब रेगुलर देसी गाय के गोपालन में रुचि रख रहे हैं जी, और यहाँ खुद के डेयरी फार्म पर ही गाय लेके आते हैं जी। तो देसी गाय जहाँ फार्म पे रहती है उसकी बजाय से खेत में ही जो फार्म बना हुआ हो, खेत में ही बनाया हुआ, खेत के अंदर ही बना हुआ है जी, तो वहाँ कंफर्टेबल रहती है जी, जी। कुछ लोग घरों में गाय पालते हैं, कुछ लोग बड़े फार्म में पालते हैं, जैसे घंटा 2 घंटा खुले छोड़ देते हैं, घूम लेती है, उससे फर्क पड़ता जी, उससे फर्क पड़ता है, तभी तो परवरिश में अच्छी दिखती है जी। ठीक है, पूरी जानकारी लेंगे। आपका एड्रेस दे दो जी यहाँ का। गांव 15 जेड जी। हाँ, जिला और तहसील गंगानगर है जी। ठीक है, राजस्थान से। राजस्थान में। और मोबाइल नंबर क्या है जी आपके? 94614-33200। ठीक है, 94614-33200। ठीक है, नंबर याद रखने लायक है जी। फिर भी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि सेव भी कर लें, सेव करके रख लें, क्योंकि रेगुलर गायें भाई साहब के पास रहती है और रेगुलर ही आप यहाँ विजिट कर भी गायें देख पर रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हर गाय के बारे में पूरी डिटेल इसी वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई जानकारी मिस हो जाए या आप कोई जानकारी एक्स्ट्रा किसी गाय के बारे में चाहते हो तो डायरेक्ट फ़ोन करके डिटेल ली जा सकती है जी। जी तो जी, एक कीमत की रेंज बता दो कि आज रेंज क्या रहेगी गायों की कीमत की? आज 25,000 से लेकर 54,000। 25,000 से शुरू हो जाएगी, तो मीडियम बजट की गायें हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करेंगे जी इसी 1 नंबर वाली गाय से ही जो ब्याई हुई है जी। जी, इसी की डिटेल दे दो जी, नस्ल बता दो इसकी सबसे पहले तो। सर जी, ये गिर क्रॉस में है थोड़ी। हाँ, हल्की। हाँ, कलर और पीछे बछड़ी है। हाँ, 2 दिन की ब्याई हुई है। अच्छा, मुंह से 4 दांत है। 2 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी, बछड़ी साथ में है। बछड़ी साथ में। ठीक है जी, बछड़ी साथ में और 2 दिन की ब्याई हुई है। दूध अभी खीस के रूप में कितना तैयार है जी? अभी खीस के रूप में जी इसके 5 लीटर तैयार है जी। 5 लीटर रेडी है? रेडी है। अच्छा, कितने दूध तक की मिल्किंग करवा के दिखा दोगे अगर कोई देखना चाहे तो? जी, हम तो कहते हैं भी आके ले, देख के ले, परख के ले यहाँ पे। बाकी अब मौके का दूध ये 11-12 किलो निकालेगी। 11-12 किलो निकालेगी। ठीक है, तो मोल क्या रखोगे फिर इसका? इसकी मात्र 41,000 रुपये। 41,000 रुपये, 41,000 रुपीज। ये 2 नंबर वाली गाय और है। हाँ जी, ये भी ब्याई हुई है। ब्याई हुई, इसकी भी डिटेल दे दो जी। सर जी, इसके अब खरा दूध है जी। हाँ, 11 लीटर। 11 लीटर। हाँ, अच्छा, तैयार है। ब्याई को, इसको ब्याई को आज 5-6 दिन हो गए। पीछे इसके भी बछड़ी है। इसके भी बछड़ी। हाँ, तो दो लोटरियां हैं आज। दो लोटरी है जी। डबल लोटरी लगी है। ठीक है, तो दर्शकों का टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, शुरू में ही दोनों बछड़ी वाली गाय। बछड़ी वाली गाय है जी। हाँ, बछड़ी वाली गाय दूसरे ब्यांत की है जी। ज्यादा पसंद करते हैं लोग बछड़ी वाली। हाँ जी, दूसरे ब्यांत की है। हाँ जी। अच्छा, और दूध अभी बता रहे हो तैयार? अभी तैयार है जी, 11-12 लीटर। 11-12। हाँ, तो 11-12 की मिल्किंग दिखा दोगे? हाँ, दिखा देंगे। ठीक है, कितने दूध तक जाने की उम्मीद और है जी? उम्मीद है जी कोई किलो तो और बढ़ाएगी। 13 लीटर तो 13-13.5 लीटर देगी आराम से। ठीक है, मोल क्या रखेंगे जी इसका? इसका मोल है जी 31,000 रुपये। 31,000 जी। 31,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो भाई साहब इस गाय की और डिटेल दे दो जी, नस्ल बता दो इसकी भी। साहीवाल है जी। साहीवाल। हाँ, काले थन वाली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ब्यात साहीवाल है इसका? ये दूसरे में ब्याएगी जी। दूसरे ब्यात में ब्याएगी। हाँ जी। अभी गैप बिन कितने टाइम की है? ये ले लेगी जी अभी 15 दिन। 15 दिन ब्याने में बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 15 दिन ब्याने में बाकी है और बिना सींग वाली है? बिना सींग वाली। साहीवाल। साहीवाल। अच्छा, दूध क्षमता क्या उम्मीद करके लें जी? दूध क्षमता जो सर जी पिछले पहले म्याद में 14 लीटर निकाला है। 14 निकाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो 14 की तो पक्की माने? 14 तो पक्की है जी। 14 तो निकाला हुआ। हाँ, है। हाँ। आगे देखो जी किस्मत का होता है दूध तो। हाँ, दूध और पूत कर्मों के होते हैं। हाँ, सही है। मोल क्या लोगे जी इसका? इसका मोल है जी 54,000 रुपये। 54,000। हाँ जी। 54,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा कीमत वाली तो आपकी यही गाय है? यही है जी, सबसे बड़ी। हाँ, सबसे बड़ी। और सबसे ठीक है ये 4 नंबर वाली जी, फिर से राठी। हाँ जी, शानदार कदगाठी बिना सींग वाली गाय। बगैर सींग वाली, दोनों ही बिना सींग वाली। ये हाँ जोड़ी, ये दोनों ही जोड़ी बिना सींग वाली की है। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरी डिटेल ले लेते हैं। ब्यांत कौन सा है जिस गाय का? इसका दूसरा है जी। दूसरा ही ब्यांत है ये? हाँ भी दूसरे ब्यांत में ही है जी।
कदकाठी अच्छी है, ब्यांत दूसरा है। गैबिन कितने टाइम की है ये? ले लेगी जी 20-25 दिन। 20-25 दिन में ब्याने वाली है जी। 20-25 दिन एक महीने से कम में ही बह जाएगी। दोनों ही एक महीने से कम में ब्याने वाली है जी। ठीक है, ये कितने दूध वाली जी? ये जी 12 लीटर दूध दिया है इसने पहले ब्यांत में। अब की उम्मीद करते हैं 13-14 देगी। 13-14 दे देगी हाँ जी। 13-14 लीटर दूध की उम्मीद से ले सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोल क्या रखोगे जी? इसका मोल है जी 50,000 रुपये। 50,000 हाँ जी। 50,000 रुपीज हाँ जी। ठीक है, गाय 4 कवर होगी, ये 2 और बची हुई है जी। गाय 4 कवर होगी, ये 5वें नंबर वाली नस्ल बता दो जी इसकी भी। ये साहिवाल में जी। साहिवाल हाँ। ये भी गैबिन है? गैबिन है जी। मीनी बता रहे थे? मीनी। सींग हिलते हैं सर जी इसकी दोनों। अच्छा, सींग भी हिलते हैं? दोनों सींग हिलते हैं। ठीक है, तो सींग से डरने वाली तो जरूरत नहीं है। जो है वो नीचे है, घूमे हुए। कई भाइयों की ख्वाहिश होती है हमें मीनी लेनी है, सींग हिलने चाहिए। अच्छा हाँ जी, हिलने वाली। हाँ, सींग हिलने वाली। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये कौन से ब्यांत की बताई? ये 3रे में बेहेगी सर जी। 3रे में हाँ जी। टाइम कितना लेगी जी ये? टाइम ये ले लेगी जी 10 दिन। 10 दिन और ले जाएगी। हाँ, खूबसूरत है और कद में बहुत शानदार है, हाइट अच्छी है। हाँ जी। तो दूध में कैसी है जी? दूध में जी ये सर जी इसने 14-15 लीटर निकाला है जी। हाँ, निकालती रही है 2 ब्यांत में। हाँ, हमारे पास। हाँ, अब की बार वो ही रखेगी दूध तो जी, उतना ही मान के। हाँ, ले 3रे ब्यांत में। हाँ। अच्छा, मोल आप क्या रखोगे फिर? मोल इसका 41,000 रुपये। 41,000 41,000 रुपीज फाइनल माने या कुछ गुंजाइश रहेगी? मान सम्मान हो जाएगा जी। मान सम्मान हो जाएगा जी। ठीक है, एक गाय और बची हुई जी। तो वीडियो की लास्ट गाय आ गई, ये भी बिना सींग वाली। हाँ जी। क्या डिटेल है जी? ये राठी है जी। राठी, श्यामा श्यामा वाला रंग है इसका। श्यामा रंग में। हाँ जी। और ब्यांत इसका कौन सा? ये पहले में जी। पहले ब्यांत की है। हाँ जी। खार की। ये टाइम कितना ले जाएगी गैबिन? कितने टाइम? ये जी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 8 महीने की गैबिन है। हाँ, 8 महीने की है और लगभग 1.25 महीने के आसपास और ले जाएगी। 1.25 महीने के आसपास और ले जाएगी। 9 महीने से ज्यादा लगते हैं ब्याने में। हाँ, तो 1.25 महीना और बाकी है। हाँ जी। तो दूध पहले ब्यांत में फिर क्या उम्मीद करके ले जी? सर जी, दूध की उम्मीद ये है 12 लीटर तो खुला देगी। हाँ, बाकी सेवा पे है जी। 12 लीटर दे देगी? 12 लीटर खुला देगी जी पहले ब्यांत में। पहले ब्यांत के। ठीक है, तो आप फिर मोल क्या लोगे? इसके 25,000 रुपये है जी। 25,000? हाँ जी। पहले ब्यांत की है बछड़ी। हाँ जी। 25,000 रुपये कीमत है। 25,000 रुपये और 12 लीटर दूध की क्षमता उम्मीद कर। 12 लीटर। ठीक है जी, बिना सींग वाली है। बगैर सींग वाली। कैसी लगी व्यूअर्स आपको गायें? आज की वीडियो में जो भी गायें दिखाई है भाई साहब से पूरी डिटेल लेने की कोशिश की है, फिर भी जो भी डिटेल मिस हो रही हो तो भाई साहब से आप डायरेक्ट बात करके फ़ोन पे संपर्क करके डिटेल जान सकते हैं। जो भी गाय आपको अच्छी लगी उसका वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके रख लें और भाई साहब के पास भिजवा के उस गाय के बारे में पूरी और प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दें और गाय पसंद आ रही हो तो भाई साहब के पास फ़ोन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी। राम राम। जय गो माता।